आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की। आखिर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, वोडाफोन आइडिया ने प्राइस हाइक शुरू कर दी है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए भी और वोडाफोन के लिए भी, साथ ही साथ में टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से भी। अब देखिए, जो रिलायंस जियो ने प्राइस वॉर चालू की थी, अब वो लग रहा है कि इस तरह से एंड पर आने वाली है और जैसे जैसे प्राइस हाइक होगा उसी तरह से कंपनीज की बेटर बॉटम लाइन भी बनेगी और साथ ही साथ में दिस विल लीड टू अ पॉजिटिव स्टॉक मोमेंट। तो ये अच्छा इंडिकेशन है, आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ने की उम्मीद है और उसका टारगेट भी हमारे हिसाब से ऊंचा है। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर है, देखिए 2019 में पहली बार प्राइस हाइक किया गया था, उसके बाद से एक साल से कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ, तो ये पहला प्राइस हाइक है जिसमें 50 रुपए का उन्होंने हाइक किया और किस पैकेज पर किया है, जो फैमिली पैक है उसके ऊपर किया है, उसकी डिटेल बताएंगे आगे। यहां पर मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए तो 24,000 करोड़ की कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी है, चाहे तो आप 5% तक का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। ऑपरेशनल पैरामीटर के बेसिस पर देखा जाए तो रिजल्ट इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, नेगेटिव लॉस है, पर जो लॉस है वो थोड़ा रिड्यूस होने की कोशिश हो रही है यहां पर, जो कि एक अच्छा साइन है। 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, अब ये थोड़े बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। पोस्टपेड प्लान में वोडाफोन का डोमिनेंस है, देखिए 42% जो है वो वोडाफोन के पास है और जो उन्होंने जिस पे प्राइस इंक्रीज किया है वो रेड फैमिली पैक पर इंक्रीज किया है। इनके दो पैक है रेड फैमिली पैक में, 598 एंड द सेकंड वन इज 749, दोनों पर 50 रुपए का हाइक इंक्रीज किया है। अब इस हाइक से होगा क्या, देखिए आने वाले समय में इससे प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा। अगर आज का भाव देखें तो आज का भाव करीब 1% नीचे गिरा हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है, 9 रुपए 90 पैसे, 10 रुपए के नीचे काफी अच्छे लेवल मिल रहा है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का पैरामीटर भी देखें तो जब AGR ड्यू का कोर्ट ऑर्डर आया था, हमें अच्छे से याद है, September 4th को, तब से इसने जो हाइक बनाया उसके बाद यहां पे अब एक ट्रेपेजॉइड पैटर्न बन रहा है, नीचे से बाउंस बैक करके आ रहा है, ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस ले रहा है, एक तरह से ये बहुत अच्छे रेंज में आ गया है। जब ये यहां से निकलेगा तो तेजी से ऊपर बढ़ के कोशिश करेगा और 13 रुपए के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। वहीं पर अगर आप देखें फिबोनाची 8 रिट्रेसमेंट में इसने बहुत अच्छा टेक्निकल पैरामीटर दिखाया है, यहां पर समझने की कोशिश की इसको, हाई से लो का अगर आप फिबोनाची 8 रिट्रेसमेंट से बनाए तो जो उसका की रेजिस्टेंस था 9.85 रुपए का, उसने इसको तोड़ा दो बार में, पहली बार यहां तोड़ा उसके बाद फिर नीचे गया, उसके बाद दूसरी बार में तोड़कर उसको ऊपर गया और अब ये इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था लेवल, वो उसका सपोर्ट की तरह से काम करेगा। अगला रेजिस्टेंस जो है, एक बार 11.30 रुपए टूटा तो फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है 13.20 रुपए के आसपास। तो बहुत अच्छा पैरामीटर बन रहा है इस हिसाब से देखा है। बुलियंजर बैंड, वन ऑफ अवर फेवरेट इंडिकेटर, इसने भी बताया था यहां पर मत खरीदिएगा, थोड़ा रिट्रेस करने दीजिए, तो देखिए 9.65 रुपए के आसपास खरीदने का बहुत अच्छा मौका मिला है खरीदने के लिए इस स्टॉक को यहां पर। उसी के हिसाब से अगर हम देखें, जो हमारा मैकडी है उसने अक्टूबर 20 से इसको बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है और देखिए 8.24 रुपए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने अपने पेड कस्टमर्स को 8.25 रुपए पर इस स्टॉक को खरीदवाया हुआ है और हमारी खुद की पोजीशन में भी ये स्टॉक है। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए 20% इंक्रीमेंट होगा इनका बॉटम लाइन में, जब बॉटम लाइन बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। किस हिसाब से, डेफिनेटली ये की टर्न अराउंड में जिसके चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उम्मीद यह है कि अब इस हाइक के साथ में और जो फर्दर हाइक होंगी उसके बेसिस पर इसका आरपीयू जो है 15% के आसपास बढ़ेगा। अभी इसका आरपीयू करीब 119-120 के आसपास है, आगे टाइम में आने के बाद ये करीब करीब 135 के आसपास होने की उम्मीद हो जाएगी। तो बहुत अच्छा न्यूज रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए। प्रमोट होल्डिंग 72% है, साथ ही साथ में अदर्स के पास में 16% की होल्डिंग है। यहां पर प्रमोटर थोड़ा अपना स्टेक सेल भी कर रहे हैं तो OFS के थ्रू हो सकता है ये फंड रेज करने की कोशिश करें। डिटेल एनालिसिस यहां पर है इसका और देखिए आगे आने वाले समय में ये डाटा एनालिटिक्स के साथ में इन्होंने IBM के साथ ऑलरेडी पैक कर दिया है और डाटा एनालिटिक्स के साथ में ये लोग आगे फर्दर रिवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ऑफर फॉर सेल निकलेगा जैसा हमने बताया है प्रमोटर व्यूज के रेफरेंस में, तो भी वो अच्छा व्यूज बनेगा और रिवेन्यू पर यूजर जैसा हमने बताया वो बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर बैलेंस शीट की नेटवर्थ देखी जाए, पिछले क्वार्टर में पिछले साल 107 करोड़ की, अब 119 करोड़ की नेटवर्थ है, तो बहुत अच्छा व्यू है। आने वाले समय में कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, उन्होंने कमिटमेंट किया है अपने सारे लेंडर्स को और साथ ही साथ में गुड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक में। तो कहां पर खरीदना है आपको ये चीज समझनी है। अगर आप देखें अंडर वैल्यू वो रेंज है, कभी अगर वोडाफोन उस रेंज में आता है तो आप लपक के खरीद लीजिएगा उसको, वोडाफोन की रेंज है कभी भी अगर 6 रुपए के नीचे आता है। फेयर वैल्यू वो रेंज है जहां पर काफी टाइम स्पेंड करेगा, 7 रुपए से 9 रुपए के बीच में ये काफी टाइम स्पेंड किया और हमने यहां पर खरीदवाया है अपने पेड कस्टमर्स को। और दूसरा ओवर वैल्यू रेंज है जहां पर अगर इस क्वार्टर में कभी 15 रुपए तक पहुंच जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना लाजमी है क्योंकि वहां पर हो सकता है नीचे गिरे। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक बटन दबाना, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग और
हमारे हिसाब से आने वाले 3 सालों में वोडाफोन आइडिया का टारगेट 50 रुपए है। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पर सीख रहे हैं। अगर कोई कमेंट तो फीडबैक में डालिए। और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं। देखिए आज हमारे वन ऑफ द न्यू कस्टमर जिसको अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है 6,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसका व्यू हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 8,000 रुपीज फीस है केवल पूरे महीने के लिए। जय हिंद जय भारत। और ये 5G रेडी ही है जैसा आपको पता है। रविंद्र ठक्कर जी का आपका दिन मंगल में हो। बाय गाइस।